नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी भारत और यह है न्यूज टाइम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को राजस्थान दौरे पर दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उनके साथ मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने बालाजी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद राष्ट्रपति बेनेश्वर धाम के लिए रवाना हो गयी। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए राजस्थान से नामांकन दाखिल किया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के खाली हो रही सीट पर अब सोनिया गांधी राज्यसभा जाएंगी। राजस्थान में एक बार फिर ईडी एक्टिव हुई है। राजधानी जयपुर और उदयपुर में माइनिंग से जुड़े लोगों के ठिकानों पर ईडी की टीमें छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि माइनिंग घोटाले को लेकर यह छापेमारी की जा रही है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर बड़ा बदलाव हुआ है। भजनलाल सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी कर 33 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं, जबकि 11 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 15 फरवरी से प्रदेश के स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस महेंद्र गोयल ने ये आदेश राजस्थान मुस्लिम फोरम की याचिका पर दिए हैं। शहर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में बुधवार को बसंत पंचमी की धूम देखने को मिली। इस दौरान मंदिर में पटोत्सव मनाया गया और ठाकुर जी को 5 रंगों का गुलाल अर्पित किया गया। श्रृंगार झांकी के बाद जगमोहन में माता सरस्वती और प्राचीन ग्रंथों का पूजन भी किया गया। कोटा में अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने खुद भी सुसाइड कर लिया। सीकर जिले में थाने में ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया। बुधवार सुबह अन्य स्टाफ के आने पर मामले का पता चला। बालोतरा में एक विवाहिता ने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि घटना से 1 घंटे पहले ही विवाहिता पीहर से अपने ससुराल पहुंची थी। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर के अधिकतर जिलों के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com पर।